गाइस वेलकम टू द माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से 45 दिन पहले जब मैंने इस जगह का वीडियो शूट किया था तब कुछ ऐसा नज़ारा दिखता था। आप स्क्रीन के जो है राइट साइड पे देख सकते हैं कि पहले ये कैसा दिखता था और अब 45 दिन के बाद इसका फिर से हम रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 45 दिन के बाद यहाँ पे कितना सारा वर्क हुआ। ये जो लोकेशन होने वाली है ये अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के बाहर जो फ्लाईओवर है ये उसका निर्माण हो रहा है। जो नई हाईवे बन रही है NH709B दिल्ली से देहरादून वाली, ये उस सेक्शन का लोकेशन है और आज हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना सारा वर्क 45 दिन के बाद हो चुका है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हाईवे के फ्लाईओवर के लिए जो फ्लोरिंग का काम यहाँ पे डन कर लिया गया है। इस पॉइंट पे कंक्रीट से फ्लोरिंग का काम यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे जैसे कंक्रीट का फ्लोरिंग का काम कंप्लीट हो रहा है उसके साथ ही सेफ्टी वॉल का भी जो वर्क है वो साथ में ही हैंड टू हैंड किया जा रहा है। आप ये देख ही सकते हैं। फ्लोरिंग की थिकनेस की बात करूँ तो वो काफ़ी मोटा रखा गया है, आप देख सकते हैं अप्रोक्स 8 इंच के आसपास तो होगा। फिर वॉल के सेंटरिंग का काम इस जगह पे किया जा रहा है। आगे का जो काम है वो पूरा डन हो चुका है। जैसे जैसे सेंटरिंग का काम डन हो रहा है सेंटरिंग खोल दी जा रही है। रास्ता सीधा नोएडा और गाजियाबाद मेरठ की तरफ चली जाती है। H9 यहाँ से अप्रोक्स 200 मीटर की दूरी पे है। हमने का ये एरिया पांडव नगर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इस तरफ का एरिया गणेश नगर कहलाता है। 45 दिन पहले फ्लाईओवर का ये हिस्सा बिल्कुल पूरा खाली पड़ा हुआ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि 45 दिन के बाद इस जगह पे फ्लाईओवर का निर्माण कर लिया गया है। यहाँ पे फ्लोरिंग का भी काम कंप्लीट कर लिया गया है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि 45 दिन पहले और अभी के वक्त में कितना सारा वर्क कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पे पहले के मुकाबले अब यहाँ पे काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। आप दोनों के समय में अब फर्क देख सकते हैं। NHAI के लिए इस जगह पे काम करना काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन आप देख सकते हैं कि काफ़ी हार्ड टास्क होने के बाद भी उन्होंने अपना काम बहुत बखूबी निभाया और काफ़ी तेज़ी से अब इस एरिया पे काम स्टार्ट हो चुका है। पॉइंट पे अभी सेफ्टी वॉल का काम होना बाकी है। यहाँ पे अभी सरिये का फ्रेमवर्क किया जा रहा है, बाकी जो फ्लोर का काम वो पूरा कम्प्लीट कर लिया गया है। सेक्शन पे अभी डे नाइट दोनों में वर्क होता है। हाईवे से जुड़े कर्मचारियों को रहने के लिए नीचे इस तरह के रेन बसेरे बनाए गए हैं कि शिफ्ट वाइज काम के बाद अपने रेन बसेरा में जाके वो अपना आराम कर सके। पॉइंट पर रेलवे की मेन लाइन गई हुई है। दिल्ली से हावड़ा की तरफ जाने वाली ये मेन लाइन है और इस रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लाईओवर का काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। हम रेलवे लाइन की दूसरी तरफ आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ तक का जो है फ्लाईओवर का काम वो पूरा कम्प्लीट कर लिया गया है। 45 डेज पहले कुछ ऐसा दिखता था ये, और अब देख सकते हैं कि 45 दिन के बाद अब यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा हो चुका है। रेलवे लाइन की इस तरफ का काम भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, आप देख सकते हैं। पहले इस पुराने फ्लाईओवर के साथ एक सर्विस लाइन गई हुई थी तो उस सर्विस लाइन को तोड़ दिया गया है और तोड़ के अब उसे हाईवे में मिला के हाईवे का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। इस हैवी मशीन से खुदाई करके उसे फिलअप किया जा रहा है। 45 दिन पहले और 45 दिन के बाद का फर्क आप देख ही सकते हैं। ये दोनों वीडियो मैंने इसके स्क्रीन पर चला रखी थी। इस पॉइंट पे फ्लाईओवर का साइड के वॉल का
वर्क किया जा रहा है और साथ में इसके अंदर मिट्टी फिलअप करके साथ के साथ पिचिंग करके इसे पूरी एक जो रोड की जो शक्ल होती है उसे वो दिया जा रहा है। यह एरिया यमुना बैंक डिपो कहलाता है, यह मेट्रो की डिपो है यहाँ पे यमुना बैंक के नाम से लोकेशन उसके पास का है। जैसे मिट्टी फिलअप करते हुए मशीन को आप देख सकते हैं। हमने ये फ्लैट मेट्रो के कर्मचारी के लिए है और ये मेट्रो की ब्लू लाइन जो नोएडा से आ रही है और सीधे द्वारका की तरफ जा रही है। आप मेट्रो को देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा व्यू है। यहाँ पे 45 दिन पहले यहाँ पे मलबा लाके गड्ढे को भरा जा रहा था और अब देख सकते हैं कि 45 दिन के बाद मलबे को पूरा भर के प्रॉपर एक जो रोड की जो शक्ल होती है वो पूरी दे दी गई है। यहाँ पे सामने ये रास्ता सीधा गीता कॉलोनी और शास्त्री पार्क की तरफ चली गई है। इसे आप लेफ्ट लेंगे तो सीधा आप ITO और आप कनॉट प्लेस नई दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। वो जो रोड है उसे विकास मार्ग बोलते हैं। हमने ये जो रास्ता देख रहे हैं ये पहले यही सर्विस लेन थी, इसे तोड़ दिया गया है और अब यहाँ पे एक नया रास्ता बनाया जा रहा है फ्लाईओवर का। एलिवेटेड सेक्शन के साथ सर्विस रोड का काम साथ में किया जा रहा है, वो साइड में बनाया जा रहा है सर्विस रोड। फ्लाईओवर के राइट हैंड साइड पे लक्ष्मी नगर का स्कूल ब्लॉक एरिया पड़ता है और आप सामने से कुछ कार को जाते हुए देख सकते हैं जो आगे सर्विस लेन जो बनाई गई है वो उस तरफ को जा रही है। जिनको स्कूल ब्लॉक की तरफ जाना हो वो उधर से जा सकते हैं। पुराना सर्विस लेन अब तोड़ के एलिवेटेड सेक्शन में ला दिया गया है। देख सकते हैं कि वॉल के साथ पिचिंग करके उसे सपोर्टिंग बेल्ट लगा के प्लस सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि वो एक जगह फिक्स हो जाए और हिले नहीं। उसके ऊपर सरिये से फ्रेमिंग करके उसे कंक्रीट वर्क किया जाता है फ्लोरिंग के लिए ताकि वो एक जगह फिक्स हो जाए और पूरी मजबूती के साथ वहीं पे बनी रहे। अब मैं चलते हुए फ्लाईओवर के बिल्कुल एंड पॉइंट तक आ चुका हूं और इस सेक्शन का जो अपडेट बिल्कुल यहीं तक था। आप देख सकते हैं कि 45 डेज पहले मैंने जो शूट किया था उस समय कैसा था और अब यहां का नज़ारा कैसा है। पॉइंट पे पहले मिट्टी पड़ी हुई थी लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रॉपर यहां पे सर्विस जो रोड है सर्विस लेन उसे बना दिया गया है प्रॉपर पिचिंग करके। और ये सामने एलिवेशन सेक्शन का काम और ये रहा सर्विस लेन। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ढंग से बनाया जा रहा है ये सर्विस लाइन। सर्विस लेन के साथ में दिल्ली जल बोर्ड की ये बड़ी सी पाइपलाइन गई हुई है और इसके साथ ही जो है साइड में कंक्रीट और सरिये का एक वॉल बना के ये खाली जगह पे उसी मिट्टी भर के उसी पीचिंग किया जा रहा है। सर्विस लेन 3 लेन की रहेगी और सामने से आप देख सकते हैं तेजस राजधानी आते हुए जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आ रही है। एक छोटा सा अपडेट था, ये हाईवे 709B का अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से यमुना बैंक डिपो तक का। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। आपके सपोर्ट से ये मोटिवेशन मिलता है। सबों का तह दिल से धन्यवाद मेरी ये पूरी वीडियो देखने के लिए। ये आगे का अपडेट मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।